हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ पल्सर 200 NS के लिए कुछ एक इंटरेस्टिंग से इंडिकेटर। आपको पता होगा हमारी जो पल्सर NS है उसमें सिंपल होलोजन बल्ब जो होते हैं, सिंपल बल्ब वो इंडिकेटर में दिए गए हैं, तो उसको रिप्लेस करने के मैंने कुछ इंडिकेटर मंगाए हैं। दिखाता हूँ, देखिए आपको ये नॉर्मल इंडिकेटर से डिफरेंट है। जैसे आपने ऑनलाइन देखे होंगे उन इंडिकेटरों में क्या होता है, ये है ना। और इसमें एक खास बात है, फ्लेक्सिबल काफ़ी है, देखिए तो इतनी आसानी से शायद मुझे लगता है टूटेंगे नहीं। और दूसरी बात है, इसमें जो ये है ग्लो, इसमें ये सिक्वेंशली करता है फ्लो की तरह, सिक्वेंसली फ्लो की तरह जलते हैं ऐसे लाइन से, इस तरह से ऐसे। ये फिटिंग करने के बाद दिखाऊंगा। अब मैं दिखाता हूँ इसको फिट कैसे किया जाता है NS में, ठीक है। और देखिए, मुझे लगता है वाटरप्रूफ लिखा तो है, शायद हो सकता है वाटरप्रूफ हो पर इतना नहीं होंगे फिलहाल। चलिए फिट करने का तरीका बताता हूँ। देखिए कुछ नहीं, इसमें ये कुछ कनेक्टर दिए हुए हैं, देखिए ये है कनेक्टर, ठीक है। अब हमारी NS में जो है वो डिफरेंट टाइप के कनेक्टर हैं, तो उसका मैं खोल करके देखता हूँ, देखिए क्या जुगाड़ करना। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि हमारी ओरिजिनल जो वायरिंग है उसको उसमें काटापीटी ना करी जाए, ठीक है। ये है चारों। अब देखिए इसमें एक खास बात और, फिटिंग करने से पहले इसमें देख लें, जो हमारी इंडिकेटर फ्लैशर होता है इनबिल्ट वाला, वो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें इनबिल्ट ही है फ्लैशर, तो वो खुद ब खुद इसमें काम करेंगे। उसके कनेक्शन हम हटा देंगे, फिर ये लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए खोलने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे खुलेगा। चलिए देखिए दोस्तों, मैंने ये इसका खोल लिया है। यहाँ पर ये बोल्ट लगे हुए थे, ये बोल्ट इस जगह नीचे साइड कसे हुए थे, ये कितने 12 नंबर से खुल गया है दोस्तों। ये मैंने खोला इसलिए है क्योंकि इसको ना लगे लगे पर यहाँ पर खोलने में मुझे दिक्कत हो रही थी काफ़ी, जाले स्क्रू खोलने, और ये देखिए जंग भी लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आसानी से खुलेंगे नहीं, तो मैंने पूरा ही खोल लिया। अब उसको ईजिली खोल लूँगा मैं, ठीक है। इसमें जो है हमारे 14 नंबर का बोल्ट आ रहा है, ठीक है, 14 नंबर बोल्ट आ रहा है, ये खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। अब देखिए आप कहोगे इसे खोलना कैसे, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक ट्रिक मैंने सोची वो कैसे खोलने दिखा। यहाँ पर मैंने ये रबड़ लगी हुई थी, देखिए आपके जब आप बाइक खोलोगे तो ये रबड़, मैंने रबड़ समेत इसको निकाल लिया था क्योंकि निकालने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने रबड़ समेत इसको निकाल लिया है, ठीक है। ये इस तरह से लगी हुई थी, अब मैंने ये निकाल लिया रबड़ से बाहर। अब मुझे क्या करना है, इस तरह की एक 14 नंबर की चाबी चाहिए, ठीक है, ये यहाँ इस तरह से डाल करके। अब देखिए आराम से इजीली, देखिए ये फिट हो गया, अब इसको खोल सकते हो तुम, ठीक है। खोल के दिखाता हूँ आपको कैसे खोलना है। देखिए ये मैंने खोल लिया है, अब इसका स्क्रू था ये वापस इसमें लगा के रख देते हैं, आगे खोलेगा नहीं और काम में भी आएगा। अगर आगे आपका मन करता है दोबारा उसको फिट करने की तो आप कर सकते हैं, इसको लगा करके रख लेते हैं। देखिए दिखा देता हूँ आपको, ये खुल गया, और सेम ऐसे ही दूसरा वाला भी खोल लेना है, ठीक है। इसमें से निकालना बहुत इजी है, देखिए सिंगल वाला तो है ही और डबल वाला भी, ऐसे कुछ नहीं, थोड़े से अगर मैं इसको बॉडी में लगे पे ये नहीं निकल पा रहा था, अब बाहर निकाल लिया ना तो आसानी से निकल पा रहा है। देखिए दिखाऊँ, रबड़ है तो ईजिली निकल भी जाएगा ये, देखिए एक निकल गया, सेम ऐसे ही दूसरा निकालना है। देखिए मेरे ये वायरिंग चूहों ने काट रखी है बाइक की, देखिए बाइक में अंदर चूहे घुस गए थे वो काट दी थी। अब देखिए दूसरा वाला भी इस तरह से, देखिए ये निकल चुका, ठीक। अब सेम ऐसे ही ये वाले भी खोल लेंगे, ठीक। देखिए दोस्तों ये मैंने फिट कर लिए हैं, ठीक है। देखिए ये और ना ये थोड़ा सा अलाइन नहीं है, लगाने बाद में इसको थोड़ा सा ढीला करके इसको अलाइन करूँगा। खोल के मैं इस तरह से करें, बिल्कुल ये मूव हो रहे हैं, बाकी का मैं लगने के बाद इसको टाइट करूँगा, ठीक है। लगने के बाद इसकी सेट जैसे हमने ये निकाले थे, ठीक है, ये लगा देने हैं इस तरह से। ये हिस्सा नीचे था, ये ऊपर था, ठीक है, तो देखिए गड्ढा ना इधर, ये नीचे था। अब इसको लगा देते हैं एक साइड का लग चुका और दूसरी साइड का ये रहा। पर उसके लिए पहले ये ब्रेक लाइट, वो उसका नंबर प्लेट लाइट जो होती है ये वाला डाल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से पहले ये डाल लेते हैं। चलिए ये डाल लिया, ठीक, और उसके बाद ये यहाँ से इस तरह से, ये कोई ज़्यादा
भारी काम नहीं है, इजीली आप करोगे तो हो जाएगा। अगर आप ये सब काम करते हो, करना अच्छा लगता है तो आप इजीली कर लोगे। देखिए आराम से जा चुका है। ठीक, अब इसको फिट करते हैं। जैसे जैसे खुला था ये स्क्रू लगाते हैं उनमें, और कनेक्शन का फिर मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ये दिख रहा है ये स्प्रे, इसको डालने में थोड़ा दिक्कत होगी। और तो मैंने क्या करा है, डब्ल्यू डी स्प्रे है, देखिए ये डब्ल्यू डी स्प्रे, इस पर लगा करके तो अब इजीली चला जाएगा। और ध्यान है मैंने जो बोल्ट खोले थे यहाँ पे नीचे, उस पर भी डब्ल्यू डी लगा करके ही मैंने बोल्ट फंसे हैं, ताकि इस पर रस्टिंग ना आए। ठीक है, और जो मैं अलाइनमेंट की जो दिखा रहा था आपको, वो देखिए दिखाता हूँ क्या आपको। देखिए इंडिकेटर का अलाइनमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, राइट वाला तो सही है, लेफ्ट वाला थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो रहा है। इसको मैं सीधा करूँगा। ठीक, उसके बाद देखिए करके बताता हूँ फिटिंग। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये लग चुका है रबर। देखिए डब्ल्यू डी से बहुत आसानी से लग चुकी, ज़्यादा मुझे ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। देखिए लग चुकी ना, बिल्कुल फिट बैठ चुके। ऐसे मैंने हाथ से डाला, और ये छोटा वाला प्लास है, ये प्लास से पकड़ के उसको खींच लिया ऊपर, बस आराम से ऐसे ही मैं उस वाले पे करके लगाता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि कैसे क्या करा जाए इजी वे में, जो कि वायरिंग भी कट ना हो ना कुछ हो। तो देखिए इसमें पहले तो हमें लेफ्ट राइट देखना है। ठीक है, लेफ्ट राइट देख लिए, फिर देखिए इसमें अगर आप देखो तो ये है, इसको थोड़ा सा प्लास से दबा लूँगा। ठीक है, और इसके मैं सीधे देखिए इधर सीधे इसमें इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, आपको अगर दोनों तार मिलने के आपस में टेंशन होगी तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास हीट सिंक ट्यूब है, ये इसके आगे इधर लगा करके हीट करके फिर लगाऊंगा, तो कोई टेंशन नहीं होगी ना, कोई वायरिंग कट होगी ना कुछ। करके देखिए रेडी करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, क्योंकि मैं देखो एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा, सब चीज़ तो दिखा नहीं सकता, पर मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने ऐसे कर लिया इस तरह से, जैसे आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। देखिए ये देखो मैंने दबा भी लिए हैं थोड़ा सा। दोस्तों देखिए अब मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू बता देता हूँ, मैंने कैसे कैसे क्या क्या करा। खोलने बांधने का तो कुछ बताने का जरूरत है नहीं, वो मैं दिखाई चुका हूँ डिटेल में। अब मैं इन शॉर्ट बता दे रहा हूँ ये करना क्या था। देखिए ये जो इसकी पिन है थी, मैंने उनको हीट सिंक ट्यूब चढ़ाई, फिर इनको दबा लिया। ठीक है, और दबाने के बाद इंसर्ट कर दिया। और कलर कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो इसमें देखिए येलो पट्टी के साथ ब्लैक जो दिख रहा है ये माइनस है, और जो ग्रे कलर का है वो है प्लस। ऐसे ही सेम मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये ग्रीन वाले में मैंने सेम वही हीट सिंक ट्यूब लगा ली, इसकी कलर कोडिंग दिखा देता हूँ। देखिए ग्रीन जो है इसमें, देखिए ग्रीन जो है इसमें प्लस है, और येलो और ब्लैक के साथ जो है वो माइनस है। देखिए ये सब मैंने फिट कर लिया है बिल्कुल। अब देखिए बिल्कुल फिट है, कोई खींचतानी इसमें होनी नहीं है। अब दोस्तों अब इसको आगे वाले को चेंज करने के लिए हमें एक एलन की चाहिए, ये खोलना है। ये इधर एक इधर दो इधर ही है, वो खोलने बाद ये हेड बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मैंने हेडलाइट खोल ली है। अब यहाँ से एक स्क्रू इधर है, ठीक एक स्क्रू इधर है, ये खोल के देखता हूँ मैं। और उसके बाद में देखिए इनके इंडिकेटर के वायर अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ रहे हैं। देखिए ये वायर है, बस इस जगह हमें करना एक ये है और एक ये है। ठीक है, याद रखना लेफ्ट का ये इधर का, ये इधर का, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये स्क्रू यहाँ पे इस वाली एलन की से खोला मैंने, ये और एक इधर खोला, ये देखिए ये लगा हुआ है। उसके बाद में ये खोला ऊपर से, ये थोड़ा सा ऊपर पुश। देखिए ये स्क्रू यहाँ पे इस वाली एलन की से खोला मैंने, ये और एक इधर खोला, ये देखिए ये लगा हुआ है। उसके बाद में ये खोला ऊपर से, ये थोड़ा सा ऊपर पुश करा तो ये ओपन हो चुका है। ठीक है, देखिए ये दो स्क्रू इधर थे, दो एक इधर था एक इधर था, ये खोलने बाद देखिए। देखिए ये वाला स्क्रू खोलते ही ये हेड देखिए शायद बाहर आ चुका है, शायद देखता हूँ अभी। देखिए ये बाहर आ चुका है, इसके कनेक्शन वनेक्शन मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा फिर। देखिए मैं कनेक्शन इसका अलग कर लिए, अब बस कुछ नहीं ये खोलना है, जैसे मैंने पहले बताया ये वाला स्क्रू खोलना है और ये खोलना है, फिर नए वाले लगाने, फिर इसको कनेक्शन करने। मैं दिखाता हूँ कनेक्शन करके खोल करके। दोस्तों ये वाला पैनल मुझे खोलना पड़ेगा, ये तीन स्क्रू थे ये भी खोलने पड़े, क्योंकि इसके यहाँ पे मेरी चाबी यहाँ पे फिट नहीं बैठ पा रही थी, हो सकता तुम्हारी बैठ जाए तो मैं खोलने की जरूरत ना पड़े। देखिए ये वाले तीन स्क्रू, देखिए एक दो तीन, ये तीन स्क्रू खोलने पड़े तब जा कर के ये लग पाया मेरा।
मुझे खोलना पड़ा, हो सकता तो मैंने खोलना पड़ा, पर यह देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों ये मैंने लगा लिया, आपको बता दूं उसके वायरिंग में। देखिए ब्लैक और येलो दिख रहा है आपको, ब्लैक और येलो ये माइनस है और ग्रीन वाला ये प्लस है। देखिए मैंने ऐसे ही लगाए, ठीक है, ऐसे ही इसमें है। देखिए ब्लैक और येलो माइनस लगाया है और ये रेड लगाया है, ठीक है। देखिए सब लग चुके हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसको प्लास से टाइट कर देना जो कि निकले ना, ठीक है, निकल नहीं रहा, देखो सब टाइट है, ठीक है। अब इसको टेस्ट करता हूँ मैं, लगा कर दिखाता हूँ टेस्ट करके आपको सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होंगे तो इनके कनेक्शन पलट के लेफ्ट राइट का देख अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है, मैं इसको फिट करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये है इंडिकेटर का फ्लैशर, ये मैंने निकाल दिया है, ठीक है। निकालने के बाद क्या करना है, इसमें तार से शॉर्ट करना पड़ेगा था, क्योंकि ये फ्लैशर ही इसको करता है ना, तो ये इसको तार से शॉर्ट करना पड़ेगा। वो शॉर्ट करके दिखा, देखिए इस तरह से शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद में इस पर टेप चिपका देंगे हम लोग, ठीक। देखिए दोस्तों मैंने ये वहाँ पे जम्पर लगा करके हीट सिंक ट्यूब से इसको सील कर दिया। देखिए यहाँ पे कोई पानी जाने का कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल पैक कर दिया। देखिए इसको पैक करने बाद इधर ही इसको इंसर्ट कर देते हैं, यहीं फिक्स हो जाएगा ये, कहीं जाएगा भी नहीं, छुट्टी बस लो। इस तरह से ये जल रहा है, फ्लैशर मैंने हटा दिया है, फ्रंट के इस तरह से जलना है। ये भी चेंज करूंगा तो ये भी सही हो जाएंगे। चाबी ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, इंडिकेटर किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरा स्विच ख़राब है, अभी इसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। देखिए ऑन हो चुका है, ये देखिए किस तरह से ब्लिंक कर रहे हैं। ले ये सब इंडिकेटर से लुक तो अच्छा हो चुका है, जगह दिखा देता हूँ। देखिए